पूरे भारत में यदि कोई एक राज्य है जिसको हम बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं तो वो है गुजरात। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2001 से लेकर आज तक गुजरात में बीजेपी ना ही कोई विधानसभा का चुनाव हारी है और ना ही कोई लोकसभा का चुनाव हारी। गुजरात में लोकसभा के 26 सीट है और इन 26 सीटों पर मतदान होगा तीसरे चरण में यानी 7 मई को, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इस बार गुजरात में एक गड़बड़ हो गई। गुजरात में बीजेपी के लिए इस परेशानी की शुरुआत हुई केंद्रीय मंत्री और गुजरात से ही राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान के बाद। बात है 22 मार्च 2024 की। पुरुषोत्तम रूपाला एक दलित सभा को संबोधित कर रहे थे। दलित समाज की इस सभा में पुरुषोत्तम रूपाला बोले कि कई राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, उनके साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किए, इवन अपनी बेटियों की शादी भी अंग्रेजों के साथ करी, लेकिन हमारा रूखी समाज अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, जबकि अंग्रेजों ने रूखी समाज के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए और रूखी समाज ने अपना धर्म भी नहीं छोड़ा। ये कमेंट था पुरुषोत्तम रूपाला जी का। और इस कमेंट के बाद जो गुजरात की राजपूत कम्युनिटी है वो पुरुषोत्तम रूपाला से नाराज हो गई और बीजेपी से भी नाराज हो गई, क्योंकि जो राजपूत समाज है वो अपने आप को महाराजाओं का वंशज मानता है। राजपूत समाज के लगभग 92 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गुजरात में काम कर रहे हैं। तुरंत ही इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। बीजेपी से इन लोगों ने मांग करी कि जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जो कि इस बार बीजेपी के टिकट से राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका टिकट तुरंत काट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने राजपूत समाज की इस मांग को नहीं माना। इसके बाद राजपूतों ने बीजेपी का और भी ज्यादा विरोध चालू कर दिया और विरोध की ये लहर गुजरात से राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी पहुंची। तो अब सवाल ये उठता है कि राजपूतों के इस विरोध के बाद क्या गुजरात में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है? राजपूत गुजरात में कितने प्रतिशत सीटों को प्रभावित कर सकते हैं? गुजरात में और जातियों का क्या समीकरण है और जातियां किन किन सीटों को प्रभावित कर सकती हैं और बीजेपी का इस बार गुजरात में कैसा प्रदर्शन रहेगा? तो इन्हीं सब चीजों की फैक्चुअल एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे और ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात में पूरा जातीय समीकरण क्या है और किस पार्टी का कितना वोट बैंक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड भारत पर। सबसे पहले समझते हैं गुजरात में किन जातियों का वर्चस्व है। तो गुजरात में जो सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली कम्युनिटी है वो है ओबीसी कम्युनिटी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी। गुजरात की जनसंख्या का कुल 45-50% ओबीसी है। गुजरात में रहने वाली लगभग 146 कम्युनिटीज ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं वो हैं कोलीज और ठाकोर। ओबीसी पूरे गुजरात में फैले हुए हैं और गुजरात की हर सीट को प्रभावित करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी कम्युनिटी को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करते रहते हैं और अभी जो माहौल है उसमें ऐसा ही लगता है कि ओबीसी समुदाय ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही झुका हुआ है। तो ओबीसी से बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है, कांग्रेस के लिए ओबीसी अभी एक परेशानी का सबब बने हुए हैं। गुजरात में दूसरी जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कम्युनिटी है वो है पटीदार की और इनको कोर बीजेपी सपोर्टर भी माना जाता है। लगभग 12-15% गुजरात की जनसंख्या का पटीदार है और शिक्षा, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में ये बहुत ही ज्यादा रसूखदार कम्युनिटी है। तो वैसे तो पटीदार बीजेपी के कोर सपोर्टर्स हैं, लेकिन 2015 में बीजेपी और पटीदार के जो रिलेशन थे वो थोड़े गड़बड़ हो गए। गड़बड़ होने की वजह क्या थी? पटीदार खुद के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे और गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट वो रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ पर पटीदार और बीजेपी के रिलेशनशिप में एक डेंट पड़ा और इस डेंट का असर दिखाई दिया 2017 के गुजरात के विधानसभा चुनावों में। 2001 के बाद पहली बार 2017 के चुनावों में 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को मात्र 99 सीट मिले थे। इसके बाद बीजेपी ने यहां से डैमेज कंट्रोल चालू किया और पटीदार कम्युनिटी को मनाना चालू किया और पटीदार कम्युनिटी के ही एक व्यक्ति को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो अभी गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपिंदर पटेल जी, वो पटीदार कम्युनिटी से ही आते हैं। तो इस लोकसभा में बीजेपी के लिए पटीदार कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है बल्कि उनके सपोर्ट में ही है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पटीदार कम्युनिटी में अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल तो सफल होती नहीं दिख रही। गुजरात में तीसरी जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कम्युनिटी है वो है ट्राइबल्स की। पूरे गुजरात में लगभग 15% ट्राइबल्स यानी एसटीज रहते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटें एसटीज के लिए रिजर्व है। इंडिया अलायंस और बीजेपी दोनों ही ट्राइबल्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही साबरकांठा और भरूच से एसटीज को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी भरूच से 6 बार के एमपी मनसुख वसावा को टिकट दिया है। तो अगर ट्राइबल्स का भी वोटिंग पैटर्न देखे तो ऐसा लगता है कि ये लोग भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट प्रोमिनेंट कम्युनिटी है मुस्लिम्स की। गुजरात में लगभग 10% मुसलमान रहते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मुसलमानों की बात इस लोकसभा चुनाव में कोई बहुत प्रभावी तरीके से कर नहीं रहा है। वजह क्या है कि गुजरात में मुसलमानों के मुख्य नेता थे कांग्रेस के अहमद पटेल, और उनके निधन के बाद इस समय गुजरात में कोई भी मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर है नहीं। बीजेपी मुसलमानों के अधिकारों की बात ज्यादा करती नहीं है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में इतने मजबूत नहीं है कि वो मुसलमानों की हक की बात कर सके। वैसे तो मुस्लिम वोट गुजरात में लगभग 15 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की बात इन चुनाव में ज्यादा नहीं हो रही है। अब गुजरात में जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट कम्युनिटी है वो है दलित की, यानी एससी की। लगभग 8% दलित गुजरात में रहते हैं, और इस बार के लोकसभा चुनावों में 2 सीट्स अहमदाबाद वेस्ट और कच्छ वो एससी के लिए रिजर्व है। इंडिया अलायंस के लोग बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाकर कि ये 400 सीटें जीतकर संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसा कहकर एससी समुदाय के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। तो गुजरात में दलित समाज को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोग अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं गुजरात की नेक्स्ट प्रोमिनेंट कम्युनिटी की, राजपूत की, जिनके लिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। गुजरात में राजपूत कितने हैं इसका कोई ऑफिशियल डेटा है नहीं, लेकिन गुजरात में लगभग 92 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खुद को राजपूत के लिए काम करने वाली बताती हैं। और ये जो राजपूत संगठन हैं ये बताते हैं, खुद ही बताते हैं कि गुजरात में लगभग 10% राजपूत रहते हैं, और एक आंकड़ा भी देते हैं कि गुजरात में 70 लाख राजपूत और क्षत्रिय रहते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सारे सामाजिक वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि ऐसा मानते हैं गुजरात में लगभग 7-8% राजपूत रहते हैं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि गुजरात में राजपूतों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से उनकी मांगों की तरफ बीजेपी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन राजपूतों ने गुजरात में जब से बीजेपी का विरोध चालू किया, बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर तो आई है। पुरुषोत्तम रूपाला ने कई बार राजपूत समाज से तब से माफी मांगी है। बीजेपी के अन्य लीडर्स ने भी राजपूत समाज से माफी मांगी है। अभी 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा थी, और उस चुनावी जनसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने राजपूतों से ये अपील करी कि कांग्रेस को वोट देकर अपने वोट को बर्बाद ना करें। तो बीजेपी को राजपूत समाज की टेंशन तो है ही है, उसको मनाने की कोशिश तो वो कर ही रहे। अब राजपूतों की नाराजगी का गुजरात के चुनाव परिणामों पर क्या असर होगा, इस बात का पता तो 4 जून को ही चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आंकड़ों को देखते हैं और सारी चीजों को एनालाइज करते हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि राजपूतों की नाराजगी का बीजेपी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है या कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। बाकी यदि आपके पास भी इन चीजों से रिलेटेड कोई फैक्ट है, कोई डेटा है, तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चुनावों के ऊपर ऐसे ही फैक्चुअल एनालिसिस की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।